Drama Explained presenting 76 Horror Bookstores second episode. ड्रामिक स्टार्टिंग में हम दो पुलिस वाले को देखते हैं जो कि एक आदमी को ले जा रहे होते हैं। जब वो उस आदमी को जेल में रखते हैं तो वो आदमी खुद से लटपट होता है। इस आदमी का नाम हम दे देते हैं टॉम। टॉम जब सपने से उठता है तो वो देखता है कि ये सब तो बस एक सपना था। तभी रेडियो पे एक न्यूज़ चलती है कि एक आदमी को माउंटेन पे दफना दिया गया था जिंदा, जो कि 4 मंथ्स पहले प्रेग्नेंट थी। टॉम ये सुन करके रेडियो को बंद कर देता है और वैन से निकलता है एंड अपने गन को साफ करके ज़मीन पर रख के वहाँ पर से भाग जाता है ताकि उसके फुटप्रिंट्स पता ना चले। टॉम फिर एक स्टोर में जाता है। उस स्टोर में वो उस स्टोर के मालिक से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई फूड मिलेगा, जिस पर वो आदमी टॉम को अजीब तरह से देखता है एंड उसको अजीब तरह से रिएक्शन करता है, जहाँ पर और उसे कहता है कि मैं पुलिस को बुला दूँगा, जिसको सुन करके टॉम घबरा जाता है एंड वहाँ पर से भाग जाता है। बाहर जाने पे उसे एक आदमी मिलता है जो कि कहता है कि क्या तुम्हें फूड चाहिए, जहाँ पे टॉम कहता है कि क्या तुमने उस स्टोर वाले को ड्रग दिए थे, जहाँ पे वो आदमी कहता है कि मैं ड्रग्स नहीं बेचता एंड देन उसे कहता है कि मेरे पास ये खाने को है तो मैं तुम्हें इसे 1,000 में दूंगा, जहाँ पर टॉम कहता है कि मुझे 1,000 में नहीं चाहिए एंड देन वहाँ पर से चला जाता है। तभी वो आदमी टॉम के वैन के पास आता है एंड देन उसे कहता है कि तुम्हें 76 डेज तक भूखा रहना पड़ेगा, जिसके बाद टॉम स्टोर ढूंढता है जहाँ और आदमी से भी पूछता है कि यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा, पर सभी आदमी उससे डर के भाग जाते हैं एंड सभी शॉप उसे क्लोज मिलते हैं। बिना खाने के वो एक स्टोर जाता है एंड पानी की बोतलें खरीदता है। वो बहुत ही ज़्यादा भूखा होता है इसलिए वो उसे पानी से ही अपना खाने पीने का काम चलाता है। उसे खाना नहीं मिलने के कारण वो इतना भूखा होता है कि वो कोलगेट को भी खाने के लिए तैयार होता है। अब जाहिर से बात है, खाना नहीं मिलेगा तो पानी से ही ना काम चलाना पड़ेगा। आफ्टर दैट टॉम वैन के बाहर निकलता है एंड वो मेंटेन करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद फिर वो उस आदमी से मिलने जाता है जिसने उससे कहा था कि तुम्हें 76 डेज तक भूखा रहना पड़ेगा। वो वहाँ पर जाता है तो उसे एक आदमी मिलता है जो कि अपना नाम बिग हेड बताता है। उसके बाद फिर वो दोनों उस आदमी से मिलने जाते हैं एंड उससे खाना खरीदने जाते हैं, जहाँ पर टॉप के पास पैसे तो नहीं होते हैं तो इसलिए बिग हेड उसे पैसे दे देता है उनके खाना लेने पे। तभी वहाँ पर अचानक से पुलिस आ जाती है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि टॉम किस तरह से खाने की इंसल्ट कर रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लेडी जो कि वहाँ पर जा रही होती है एंड टॉम से कहती है डू यू रिमेम्बर, यानी कि क्या तुम्हें याद है। उसके बाद फिर बिग हेड बताते कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसने कहा था कि मैंने गुफा में बहुत सारे पैसे छुपाए हैं, जहाँ पर टॉम बिग हेड से कहते कि तुम फिर मुझे क्यों बता रहे हो ये सब बात, तुम उन पैसों को खुद भी ले सकते थे, जहाँ पर बिग हेड कहते कि तुम कार चला सकते हो एंड हम दोनों वहाँ पर जल्दी पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर कार की गैस ख़त्म हो जाती है तो वो लोग गैस को लेने जाते हैं, बट वहाँ पे उन्हें गैस नहीं मिलता है जिसके कारण वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। टॉम पेट्रोल पंप के एक रूम में जाते हैं एंड वहाँ पे रेस्ट करने लगता है। तभी वहाँ पे एक लेडी रहती है जो कि टॉम के मुंह में अपने हैंड घुसा देती है, जहाँ पे टॉम की नींद खुलती है एंड उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पे वही लेडी टॉम को दिखती है जो उसके सपने में आया करती थी। उसके बाद फिर टॉम घबरा करके वहाँ पर से भाग जाता है। बाहर जाकर ये टॉम को किसी चीज़ पर से गिर जाता है, जहाँ पे उसे दिखता है कि बिग हेड एक बच्चे का हाथ खा रहा होता है एंड देन बिग हेड टॉम को भी कहता है कि तुम इस बच्चे का हाथ खा लो एंड टॉम उस बच्चे का हाथ मांग के खाने लग जाता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। उसके बाद जब टॉम सोया हुआ होता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा मोरे डरावनी सपना आ रहा होता है, जहाँ पर बिग हेड टॉम को उठाता है। उसके बाद हम वो दोनों को केव में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों पैसा ले रहे होते हैं, बट पैसे तो वो लोग का पेट नहीं भरेगा। जिसके बाद फिर
हमें दिखाया जाता है कि जो टॉम रहता है वो बिग हेड को चाकू से मार देता है एंड उसे एक जंगली जानवर की तरह खाने लग जाता है। तभी वहाँ पे वही लेडी आते हैं जो टॉम के सपने में आती है एंड वो उसे कहते हैं कि डू यू रिमेम्बर, जहाँ पे टॉम को याद आता है कि टॉम उस लेडी को दफना रहा होता है, जहाँ पे वो लेडी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये पैसे मेरे और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बिग हेड के हैं, जहाँ पे टॉम कहते हैं कि बच्चा तुम्हारा है और पैसे मेरे हैं एंड वो उस लेडी को दफनाने लग जाता है एंड वो वही लेडी है जो कि टॉम के सपने में आया करती थी। हमें बिग हेड को दिखाया जाता है जो कि टॉम को कहता है कि तुम नहीं सुधरोगे, मैंने तुम्हें कितनी कोशिश की सुधारने की पर तुम नहीं सुधरे एंड अब तुम्हें वापस हेल में जाना होगा एंड देन उसे बाय कह करके धक्का दे देता है। उसके बाद में देखा जाता है टॉम उठता है तो उसे वही रेडियो वाली न्यूज़ दिखाई जाती है एंड उसका डे वन से स्टार्ट होता है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है एंड इस एपिसोड से हमें सीखने को मिलता है कि हमें खाने की कभी भी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको मेरे वॉइस ओवर में कोई प्रॉब्लम दिख रही हो तो प्लीज़ मुझे बता देना ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ।